अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यासी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अभी जैसे कि दोपहर का टाइम है और हम जो है ना बेलने लगे थे घास और हमने सालन वगैरह भी बनाना है। वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है। अच्छा जी, मैं जो चाची हैं ना अभी यहाँ पर आ गई हैं। चाची जो है ना ये बकरी का बच्चा यहाँ से खोल रही है। अभी घास वगैरह जो है ना यहाँ पे मिल लेते हैं। क्योंकि एक तो हमारी मशीन भी ख़राब है ना, तो काफ़ी टाइम लगता है। घास भी देखें काफ़ी सारे हैं। चाची देखो, जो हमारे मामू की मशीन है ना वो बड़ी है, उसके ऊपर घास जो है जल्दी फूलता है और हमारी मशीन भी छोटी है और इसकी धार भी बहुत ज़्यादा कम है, तो काफ़ी ज़्यादा जोर लगता है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और काफ़ी ज़्यादा जो है घास जो है ना स्लो मिलता है। ये घास कहाँ से करके आए हैं? ये जो हमने वहाँ पे दूसरों की जमीन में अपनी सारी जरा काश्त करवाई है ना, जहाँ पे चाचू ने 50-50 पे जो है ना सारी वगैरह काश के वहाँ से करते हैं छोटा छोटा, क्योंकि घास अब कहीं पे है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके ऊपर इतनी कोई मेहनत लगी है, पता कितना टाइम लगाते हैं बस किसी एक घंटे। चाची तू चोखा घा करते हैं तू? अच्छा जी, ये जो है ना इमली हो गई, ये इमली यहाँ पे काश्त हुई खड़ी है, तो अभी जो है ना इस इमली को हम जो है ना कोशिश करती हूँ इसको घर पे लेके जाती हूँ, इसको काश्त करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ये वाला आम जो है ना समर आम हो गया, काफ़ी मीठा, वहाँ पे इमली थी और ये जो है ना ये देखें ये जो है ना समर आम है। ये रहा वो आम जो मैं कह रहा था, ये रहा। इसकी तो गिकट निकली हुई है, आपकी मर्जी। निकाल लूंगी वैसे मर्जी। नहीं निकलेगा, निकल तो गया लेकिन जड़े में साथ आई। इमली निकाले फिर कुचा वरना सही है। सही है, हाँ मिट्टी दे जल्दी है। अच्छा जी, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना, ये मैंने भी तोड़ लिया मेरे हाथ में, अभी इसको घर पे लेके चलते हैं। अभी बिल्कुल ही शाम का टाइम है और वो देखिए सूरज सर पे आम वगैरह जो तोड़ के आए थे वो भी हमने काश नहीं किया, वो जो ना हमने साइड पे रख दिए हैं। और मैं जल्दी जल्दी से जो ना यहाँ पे खाना वगैरह शाम के लिए तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। और रात को जी हमारे नानी अब्बू की जो है ना बकरी बीमार हो गई थी, तो मैंने जो बकरी हलाल की थी, तो सुबह जो है ना उन्होंने गोश्त भिजवाया था, तो हमने और चाची ने जो है ना मिलके गोश्त चढ़ा रहे हैं और फिर इंशाल्लाह उस गोश्त का जो पुलाव बनाएंगे। अभी इसके नीचे आग ख़त्म हो चुकी है, आग दे देती हूँ। गोश्त बस मेरा जो है ना गलने वाला है। अभी चाची और अम्मी से बोला, मैंने कहा प्याज वगैरह मुझे काट के दे दें ताकि मैं जो है ना जल्दी से फिर पुलाव वगैरह जो है ना बना लूँ अपना मज़ीद आगे। और एक चम्मच लेके आओ, चम्मच यहाँ पर नहीं है, निवा लेंगे चम्मच जो है ना यहाँ से उठा लिए, तो भी लेकर चलते चम्मच पापी के पास। चेक करें गल गए, क्योंकि बकरे का गोश्त है ना थोड़ा सा टाइम लेगा। बकरी का है? बकरी का जी, बस समझ ले गलने ही वाला, जब तक मसाला वगैरह काटेंगे ना गोश्त हमारा गल जाएगा। कटोरी लेकर आऊँ? बस समझ ले गलने वाला,
तोरी क्या देते हैं जल्दी जल्दी से लकड़ी मजीद अड़ा देती हूँ और अम्मी और चाची से बोलती हूँ मजीद जल्दी करें। अब तो कवर कर देते हैं और कल जैसा कि अबू ने बताया था अबू की जो है ना तबीयत सही नहीं है तो आज भी अबू की तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा परेशान है और ख़ास तौर पे जो हमारा फ्रिज का मसला बना हुआ है स्टेबलाइज़र हमारा बिल्कुल भी नहीं बन रहा। बस ये देखिए जब से जो है ना हमने अपना पुराने वाले कमरे को चौपा वगैरह दिया है तब से ऐसे लगता है कि न्यू बन गया। ये देखिए अभी घास वगैरह बेल के यहाँ पे तिरपाल में रख दिया था और प्याज हमारे सिर्फ इतने से आ बचे हैं। ये देखें अभी यहाँ से लेके चलते हैं तकरीबन ऐसे क्योंकि छोटे छोटे से प्याज है ना तो 10 तो लेंगी छोटे छोटे से कचरा भी निकलेगा इनमें से। ये देखें छोटे छोटे से प्याज आ बचे हैं। चाची को प्याज दे दी अभी मैं जाती हूँ हरी मिर्ची लेके आती हूँ फिर जो है ना मिल के काटेंगे। और चाची आप बकरी का गोश्त खाती हैं चाचू? चाचू ने बोला है कि मुझे नहीं देना आप अलग से बनाओ। क्यों नहीं खाते हैं? शुरू से नहीं खाते? अच्छा कह रही हैं लेले का भी खाते हैं मतलब कि बकरे का भी खाते हैं और गाय का भी खाते हैं लेकिन बकरी का गोश्त नहीं खाते। वो देखते समझे वो भी देख के ओजरी ना हो कुछ समझ लेते मुझे सही है। अच्छा जी ओजरी को बता दे हमें ना। इनको देखें मेरे जाने की देर थी ये किचन में पहुंच गए हैं दोनों भाई यहाँ से चुपके से बोटियां निकाल रहे हैं। अरे हम बोटियां खाओगे क्या? पकड़ गरम है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई कैसे हो? ठीक हो? जहाँ रहो खुश रहो बाद रहो। तो आप लोगों का जी कमेंट आया था कि आप लोग कराची क्यों जाना चाहते हैं। कराची इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि महंगाई बहुत है और गंदम जो है हमारी ख़त्म हो गई है और जैसा कि मेरा मियाँ भी बीमार रहता है और वो भी दवा खाता है मैं भी दवाई खाती हूँ तो इसीलिए बहुत महंगाई हो रही है। ज़रिया कुछ बन जाए तो फिर भी इंसान वो हो जाता है क्योंकि यूट्यूब की इनकम ना जो है पैसे मतलब के मिलते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं मिल रहे बिल्कुल नहीं बन रहे जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। जहर सी बात है बच्चों को भूखा तो नहीं रखेंगे। वहाँ कराची में जाऊँगी घरों का मैं जैसे पहले काम करती थी अब मैं काम करूँगी मेरी बेटी भी मिलके काम करेगी घर का जो है सरकार जो है चलता रहेगा बच्चों को तो खिलाना है और उम्मीद हमें किसी पे है नहीं जो कोई इधर बैठ जाए तो कोई उन्हें खिलाएगा। तो जैसे कि अभी जो है ना बिल्कुल ही शाम हो चुकी है और मैंने पुलाव वगैरह भी बनाना है और जैसे कि अम्मी ने कहा है कि यहाँ पे जो है ना यूट्यूब की कोई इनकम और कोई ज़रिया बन नहीं रहा तो आपको पता है मजबूर होकर हम जो है ना कराची जा रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह कल मिलूंगी न्यू व्लॉग में दुआ में रखना याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।